आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों के दिन आ गए हैं, सबको अक्सर जोड़ों में दर्द की शिकायत या थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है। उस सब का कारण होता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। तो आज हम एक ऐसा हलवा बनाएंगे जिसे अगर आप हफ्ते में एक बार बनाकर पूरे परिवार को खिला दें और खुद भी खाएं, तो आपको हमेशा के लिए थकान की या हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा, ये सब शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए वो एक बार हफ्ते में इस हलवे को खाने से पूरे हो जाएंगे। तो मेरी सजेशन है कि आप सब ये हलवा जो है अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में तो टेस्टी है ही, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, और इसे हमने बहुत कम घी में बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो जितना मर्जी ज़्यादा या कम घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर 2 कप के लगभग मखाने लेंगे। मखाने जो है मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो हमारी बॉडी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है, और जब ये आराम से चूरा होने लग जाए इसका मतलब ये अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम फ्राइंग पैन के अंदर वापस से 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी लेंगे। इसमें मैंने 1/3 कप के लगभग चना दाल और 1/3 कप जो है वो मूंग की धुली दाल डाल दी है। दालें जो होती हैं वो हाई प्रोटीन वाली होती हैं, साथ में इनमें विटामिन B12 होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल गहरा सुनहरा होने तक भूनना है, 3 से 4 मिनट के अंदर। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, बिल्कुल लो। ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएंगी और इसकी पहचान ये होगी कि इसके अंदर जो ये झाग वो ख़त्म हो जाएगा और अपने आप ही ये बिल्कुल गोल्डन कलर की नज़र आने लगेंगी। अब हम इसको भी एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। दालें जो हैं हलवे के स्वाद को तो बढ़ाएंगी, आपको पता ही होगा मूंग की दाल का हलवा सबको कितना अच्छा लगता है, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम फ्राइंग पैन में वापस से 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी डालेंगे और उसमें 3/4 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। अगर वजन में तोले तो 150 ग्राम है। मैं वजन भी और चम्मच के नाप से भी सारे सामान का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर आराम से चेक कर सकते हैं और ये रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं। इतने आटा हल्की गैस पर भून रहा है, इतने हम एक दूसरे फ्राइंग पैन के अंदर 200 ग्राम के लगभग गुड़ जो है उसको डालेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर हल्की सी चाशनी लगभग आप मान लो, इससे हमारा हलवे में चाशनी का काम भी हो जाएगा। 2 कप के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है। इस तरह हमें इसकी पतली चाशनी या गाढ़ी चाशनी नहीं तैयार करनी, सिर्फ जैसे ही गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और उसमें 2 उबाल आ जाए हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इतनी देर दाल जो है वो हमने भून कर रखी थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम पहले दाल को पीसेंगे, उसके हमें मखाने को बाद में पीसना है, क्योंकि दाल के अंदर हमने घी डाला है। तो जब हम मखाने बाद में पीसेंगे तो वो सारा बचा हुआ जो घी होगा दाल का वो मखाने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए मिक्सी का जार बंद करके अच्छी तरह हमें इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीसना है। ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल पिट्ठी की तरह से, जो कि पहले से ही भुनी हुई है, हमें इसे और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और ये हलवे का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा, साथ में ये सेहतमंद भी होगा। इतनी देर हमारा जो आटा हमने भूनने के लिए रखा था वो अच्छी तरह भून गया है। मैंने अभी घी बहुत कम डाला है, बाद में मैं 2-3 चम्मच घी और डालूंगी। आप चाहें तो बिना घी के भी इस हलवे को अब तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दाल भूनने और आटा भूनने के अंदर हमने 2-2 चम्मच के लगभग घी इस्तेमाल किया है, उससे भी ये हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह से ये हलवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, अगर वो नियम से इस हलवे को प्रतिदिन आधी कटोरी के लगभग दूध के साथ खाएं तो वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, साथ में उनके होने वाले बेबी की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। मखाने जो होते हैं वेट लॉस के लिए भी होते हैं, एंटी एजिंग भी होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैंने उसी तरह मखाने का भी पाउडर बना के इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मुझे इस हलवे के अंदर घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी इसमें और डाल दिया है। आप चाहें तो इसे बिना घी के भी तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे बिल्कुल हल्की फ्लेम के हम ऊपर भूनेंगे। अब मैंने 1/4 कप के लगभग बादाम, आप चाहें तो उसे पीस सकते हैं, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल कतरन काट लिए, थोड़ा सा क्रंच जो है वो खाने में अच्छा लगता है। और बादाम को हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम ये गरम घी और आटे को भूनेंगे बादाम इसके अंदर अपने आप ही भुन जाएंगे। आप चाहें तो बादाम को पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से हमें एक बेनिफिट और होगा कि हमें अलग से बादाम को घी में भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गरम आटे के साथ अपने आप ही बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे। अब ये अच्छी तरह से हमारा आटा और दालें अच्छी तरह भुन गए हैं। अब जो हमने गुड़ का पानी बनाकर रखा था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे
और गैस का फ्लेम सिर्फ एक मिनट के लिए तेज करना है, उतनी देर में ये फटाफट से जो है पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मखाने हैं वो बहुत तेज़ी से फूलते हैं। इसके अंदर हमें मखाने ज़्यादा डालने हैं और आटे का इस्तेमाल कम करना है। उसके बावजूद आप देखिए कितना सारा हलवा क्वांटिटी में बनकर तैयार होगा। ये कम से कम एक बार में अगर देखा जाए तो 7 से 8 जनों के लिए काफ़ी है और खाने में बहुत टेस्टी भी है। मैंने 200 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप 250 ग्राम तक गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। गुड़ भी हमारी सेहत के लिए सर्दियों में बहुत अच्छा होता है और गुड़ खाने से शरीर के अंदर गर्मी भी बनी रहती है और हमारी बॉडी को मैग्नीशियम और आयरन काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। इस तरह से ये हलवा जो है पूरी तरह से सेहत से भरा हुआ है, साथ में टेस्टी तो ये है। अब हम इसे हल्की गैस के ऊपर 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल हल्का हल्का गैस के ऊपर भुनने देंगे। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। साथ में मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच के लगभग सौंठ का पाउडर डाल दिया है, लेकिन वो पूरी तरह ऑप्शनल है। कई लोगों को सौंठ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे सर्दियों में अदरक हम हर चीज़ में डालते ही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हलवे के अंदर भी अदरक डालें। इस तरह से बहुत ही अच्छा देखिए हलवा और बहुत नरम बनकर तैयार हुआ है। इसे आप चाहें तो 2 से 3 दिन तक रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर खाने में ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि जैसे ही आप इसे बनाएंगे ये वैसे ही तुरंत ही सब बहुत पसंद करेंगे और खाया जाएगा। ये इतना सॉफ्ट है कि अगर आपके घर में कोई बड़े जने हैं तो उनको भी ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने इसमें मखाने का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सबको ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद लगने वाली है। धन्यवाद।